नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 20 जनवरी को शपथ लेते ही जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। अब अगले 4 साल तक उनका ऑफिशियल एड्रेस व्हाइट हाउस होगा, इसीलिए अब व्हाइट हाउस में सब कुछ राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक ही होगा। व्हाइट हाउस को नए राष्ट्रपति के सुख सुविधा के हिसाब से बदल दिया गया। इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो है नए राष्ट्रपति और उनकी फैमिली के इस्तेमाल में आने वाला एरिया। जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में आने के बाद यहाँ के किचन और मेन्यू में बड़ा बदलाव किया गया। ये किचन 5-स्टार है और 24/7 काम करती है। जब भी व्हाइट हाउस में नया राष्ट्रपति आता है तो किचन का मेन्यू उनके पसंद और नापसंद के हिसाब से बदला जाता है। ये बात पूरे अमेरिका को पता है कि जो बाइडेन को आइसक्रीम बहुत पसंद है, उन्हें अलग अलग तरह की आइसक्रीम खाना पसंद है। तो अब जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस के किचन मेन्यू में आइसक्रीम जरूर शामिल होगा और वहां के शेफ का ध्यान आइसक्रीम बनाने पर ज्यादा होगा। इसके अलावा जो बाइडेन को रेड सॉस के साथ पास्ता खाना भी खूब पसंद है। सितंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस से बात करते हुए इसका जिक्र भी किया था। So tell me about Joe and your relationship with Joe, and what do I need to know? Like, what's the thing about the ice cream? He loves ice cream. You know, tell me about that. Ice cream is big. Pasta with red sauce. He can go deep. इसके अलावा बाइडेन और उनके परिवार को ट्रेडिशनल फूड पसंद। वो अक्सर नाश्ते में मीठे और मसालेदार अखरोट खाना पसंद करते हैं। ये अखरोट जीरा, लाल मिर्च और दालचीनी से लपेट कर क्रिस्पी अंदाज में बनाया जाता है। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एक और खास चीज बनेगी जो उनकी दादी की रेसिपी थी। बाइडेन की दादी इतालवी थी और वो हर संडे को एक खास तरह से फ्राई किया हुआ चिकन बनाती थी। ये फ्राइड चिकन सलाद और पास्ता के साथ पूरे परिवार को परोसा जाता था। बाइडेन को इटालियन फूड पसंद है, इस लिहाज से व्हाइट हाउस किचन में इटालियन व्यंजन खूब बनेंगे। ये तो हुई ये बात कि जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में आने के बाद वहां के किचन में किस तरह के खाने बनेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर व्हाइट हाउस का किचन कितना बड़ा और कितना शानदार। वो कौन है जिसके हाथों में है व्हाइट हाउस किचन की जिम्मेदारी? अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है। अब जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने का दर्जा मिला हो, उसका सरकारी आवाज भी वैसा ही शानदार होगा। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी और वहां की सुविधा तो जबरदस्त है ही, लेकिन यहां का किचन भी बहुत ही बड़ा और आलिशान है। व्हाइट हाउस के किचन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां के किचन में न सिर्फ राष्ट्रपति के परिवार का खाना बल्कि वहां आने वाले मेहमानों का खाना भी बनता है। इस किचन में 1000 मेहमानों का खाना एक साथ बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास यानी व्हाइट हाउस में 2 काम ऐसे हैं जो कि 24 घंटे और 7 दिन चला करते हैं। इसमें पहला तो हाउसकीपिंग है और दूसरा किचन। इन दोनों डिपार्टमेंट्स के स्टाफ यहाँ लगातार अपनी सर्विस देते रहते हैं। व्हाइट हाउस के किचन का काम यहाँ के महत्वपूर्ण कामों में से एक काम। असल में इसी किचन में राष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए रोज खाना, नाश्ता और ड्रिंक्स वगैरह तैयार होते हैं। इसी किचन में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग होने पर उनके लिए खाना और ड्रिंक्स तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, यही व्हाइट हाउस में दी जाने वाली पार्टियों के लिए खाना तैयार करता है और उसे सर्व भी करता है। व्हाइट हाउस के किचन में अमेरिका की फर्स्ट लेडी का कितना दखल होगा ये उनके मूड पर डिपेंड करता है। मसलन अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति रहे आइजनहावर की पत्नी मैमी व्हाइट हाउस के किचन में उस वक्त खास तौर पर एक्टिव हो जाती थी जब किसी राष्ट्र प्रमुख को दावत दी जाने वाली होती थी। उस दौरान पूरा मेन्यू उन्हीं की अगुवाई में तैयार होता था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को किचन के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। व्हाइट हाउस में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस के टेबल पर एक रेड बटन होता है। इस बटन को दबाकर राष्ट्रपति अपने लिए स्नैक्स ऑर्डर करते हैं। राष्ट्रपति का स्नैक्स किचन में ही तुरंत तैयार करके देना होता है। इस बटन को दबाकर ट्रंप फ्रेश कोक मंगाते थे, जबकि ओबामा अक्सर अपने लिए चाय मंगवाते थे।
2005 से ही क्रिस्टेटा कोमफोर्ड व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव शेफ। उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में व्हाइट हाउस के किचन को हेड किया था। और अब जो बाइडेन के टर्म में भी वही चीफ शेफ की भूमिका में रहेंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का खाना बड़ी ही सावधानी के साथ तैयार किया जाता है और सर्व करने से पहले इसकी जांच होती है। व्हाइट हाउस में बाहर से खाना नहीं आ सकता। हालांकि ट्रंप के टर्म में व्हाइट हाउस में बाहर से मैकडॉनल्ड, वेंडीज और बर्गर किंग के फास्ट फूड आने लगे। व्हाइट हाउस का ये किचन किसी भी वक्त 140 गेस्ट के लिए खाना परोस सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति या उनका परिवार कोई बड़ा इवेंट करता है तो इसकी जानकारी किचन स्टाफ को पहले से होनी चाहिए। पहले से जानकारी होने पर इस किचन में 1000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जा सकता है। व्हाइट हाउस के किचन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर राष्ट्रपति या उनकी फैमिली कोई व्यक्तिगत पार्टी देते हैं तो उन्हें इस्तेमाल की गई सामग्री का बिल महीने के आखिर में खुद देना होता है। 55,000 स्क्वायर फीट में फैले अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस में 132 कमरे, जिसमें से 3 कमरों में किचन, मेन किचन के साथ व्हाइट हाउस में पेस्ट्री किचन और एक फैमिली किचन। इसी फैमिली किचन में राष्ट्रपति के लिए ब्रेकफास्ट और लंच डिनर तैयार किया जाता है। व्हाइट हाउस में जब भी नव निर्वाचित राष्ट्रपति पहुंचता है तो वहां का मेन्यू बदल दिया जाता है। लेकिन इसमें भी 20 जनवरी के दिन जब नया राष्ट्रपति इस व्हाइट हाउस में आता है उस दिन दोपहर में सब कुछ निवर्तमान राष्ट्रपति के अनुसार तैयार होता है और फिर अगले 6 घंटों में उन्हें नए राष्ट्रपति के हिसाब से सारी तैयारियां करनी होती। अब बात करते हैं व्हाइट हाउस के किचन में नौकरी कैसे मिलती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाइट हाउस के किचन में नौकरी पाना आसान है तो ऐसा नहीं। इस किचन में नौकरी सिर्फ स्टाफ मेंबर्स की रिकमेंडेशन यानी सिफारिश पर ही मिलता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाता। कहा तो यहाँ तक जाता है कि व्हाइट हाउस के किचन में कुछ परिवार कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।